अब देखो यहाँ पे इवेंट पे लैंडिंग कर रहा था भाई, पिंग वगैरह एकदम से सक्सी है, देख लो 44 का पिंग है। मैं सोचा ठीक है इवेंट पे कुतरूंगा, चकाचक खचाखच करके बंदों को मारूंगा और हाई प्लस ले जाऊंगा। लेकिन भाई यार तभी यहाँ पे अपना पिंग जो है 677 हो जाता है, मतलब भाई सर्वर फ्रीज हो चुका था ठीक है। बट यहाँ पे मेरा यार पिंग पे ध्यान नहीं जाता, मैं इवेंट पे बस लैंड किए जा रहा था। जैसे क्लोज आता हूँ यहाँ पे यार पैराशूट खुलता ही नहीं, मैं सोचा ये क्या हो रहा है। जैसे जमीन पकड़ता हूँ यहाँ पे दो लाइन का पॉपअप आ जाता है, जब दो लाइन का पॉपअप आ जाता है ना समझ लो भाई यार एल लग गए ठीक है। एक लाइन वाला आता है तो मान लो थोड़ा सा वेट करो आ जाएगा ठीक है, जब दो लाइन वाला आता है तो भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अब देखो पहले के सीजन में होता था कि जैसे दो लाइन का पॉपअप आता था तो मैं रिस्टार्ट कर लेता और भाई रिज्वाइन आ जाता था ठीक है। बट इस सीजन ऐसा नहीं है, रिज्वाइन नहीं आ रहा है, तो मैं सोचा नेट ऑफ ऑन करके देखता हूँ ठीक है। थोड़ा सा देर नेट ऑफ करता हूँ और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ऑन करता हूँ तो भाई इससे भी नहीं आता, और भाई रिस्टार्ट कर लेता हूँ कुछ देर बाद उससे भी नहीं आता। मतलब भाई इस मैच में अपना माइनस वगैरह लग चुका था भाई, क्या करूँ भाई, दिमाग खराब हो गया यार एकदम से। मैच खेला है पीपी में, तीनों में यही कांड हो रहा था, बाकी टीपीपी में तो भाई सेम सिचुएशन है, क्या बोलूं भाई एकदम से खतरनाक वाला। सो हेलो मेरे भाइयों, क्या हालचाल, आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। अब आज है हमारे रैंक पुशिंग का तीसरा दिन ठीक है, आई होप, हाँ मैं बस होप ही कर सकता हूं कि आपका रैंक पुश अच्छा चल रहा है। बाकी यहां पे इसमें रैंक वगैरह देख लो 146 का प्लस किया हूं सुबह से, और भाई अभी 3 घंटे का टाइम बचा है, ऑन स्ट्रीम खेल लूंगा। और यहां पे कैरियर देखो 7 किल 6 किल 11 किल 4 किल 7 किल, मतलब भाई किल भी अच्छे खासे निकल रहे हैं ठीक है। जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं वही बस देखा करो यार, वीडियो पूरा देखा करो, सिचुएशन समझा करो, कब रोटेशन लेता हूं, कब किल निकालता हूं, सब देखा करो। बाकी भाई यहां पे सर्वर फ्रीज की वजह से भी कई बार मर रहा हूं यार, कई बार जीरो किल पे, जैसे 31 पे मरा हूं ना जीरो किल पे, सर्वर फ्रीज हैकर की वजह से ही मरा हूं। और भाई हैकर बहुत ज्यादा रहे यार, जैसे 34 पे मरा हूं ये भी हैकर की वजह से ही मरा हूं, तो सीन हो रहा है यार। बट कोई ना भाई, इनके वजह से, इन चूतियों की वजह से भाई अपन रैंक पुश करना तो छोड़ नहीं सकते है ना। अब देखो यहां पे मैं सोलो का टीपीपी एफपीपी दोनों में ही पुश कर रहा हूं, बाकी आप तो एक ही आईडी में कर रहे होगे है ना, तो भाई आपके लिए काफी ज्यादा इजी है, तो भाई मेरे से थोड़ा सा मोटिवेशन लो यार, सीखो। मैं दो आईडी में कर रहा हूं फिर भी कर लूंगा ठीक है। अभी रैंक अपना यहां पे डायमंड 1 है, ट्राई करूंगा कि आज क्राउन लगा दूं, हां 100 प्लस करूंगा तो क्राउन लग जाएगा इजीली, तो क्राउन लगा दूंगा, उतना लिए बहुत है ठीक है। अब बात करूं गेम प्ले के बारे में, तो भैया जी फुल सर्वाइवल दिखाया हूं, इवेंट पे कितने किल्स निकाल सकता हूं निकाल लूं उसके बाद भाई फुल सर्वाइवल ही दिखाया हूं। और भाई प्लीज यार वीडियो पूरा देखना, सर्वाइवल ही दिखाया हूं तो लो एंड डिवाइस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी जो बंदे सर्वाइव नहीं कर पा रहे उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी वीडियो है, तो पूरा देखना। अब भैया कसम से यहाँ पे कई सारे बंदे और बिना गन के मतलब निहत्थे दिखते हैं, बट भाई यहाँ पे 2 किल अपने को मिल गए कैसे तैसे करके ठीक है। और भाई यार पता नहीं क्यों वो दिया था, ये समझ ही देता है अगर कोई यार देता तो भाई पहले से और किल निकाल लेता, बट कोई ना भाई, जब से पता नहीं कौन सा बंदा फायर करता है भाई, अच्छे टाइम पे यहाँ पे लेट गए है ना। अब भाई थोड़ा अच्छा सा मौका देख के लूट वगैरह कर लेता हूँ, तभी सामने यहाँ पे एक बंदा रहता है, नेड करता हूँ और नेड मेरा भाई क्या ही अतरंगी रहता है, यहाँ पे कहाँ से नेड फेंकता मुझे समझ नहीं आता। अब भाई यार अच्छा सा मौका देख के इस बंदे को भी फिनिश कर देता हूँ, यहाँ पे हमारे 3 किल इजिली हो जाते हैं। अब देखो अगर आपको ये वुल्फ वाला इंजेक्शन मिलता है इवेंट पे लैंड करते हैं ना भाई, तुरंत यूज कर लिया करो, क्योंकि एक बार अगर आप इसको इंजेक्ट कर लेते हो तो भाई आप बार बार रिकॉल हो गए ना, उसके बाद भी इसका असर रहता है, तो भाई जिससे आपको फायदा है ठीक है। तो जब तक यार दूसरा वाला जो उड़ने वाला है, ड्रैकुला वाला है जो भी है यार नाम उसका ठीक है, क्या नाम है, फटनी जो भी हो ठीक, क्या नाम है यार उसका, वैम्पायर वाला, हाँ हाँ, जब तक वो यूज नहीं करोगे तब तक इसका असर रहता है ठीक है, तो इसको तुरंत यूज कर लिया करो ताकि ये आपका रिकॉल के बाद भी एंड सर्कल तक आपके साथ में रहेगा ठीक है। अब भाई यहाँ पे मैं रिकॉल लेने का ट्राई कर रहा था, बट भाई काफी देर से भाई एक बंदा बैठा था कैम करके, तभी पीछे देखते हैं यहाँ पे एक बंदा दिखता है भाई, स्प्रे करने में यार 2 सेकंड लेट हो गया, नहीं तो भाई इस बंदे का किल अपने को इजिली मिल जाता। अब इधर से भी एक फुटस्टेप आया, लेकिन ये बंदा भी जा चुका था, शायद ये बोट था जो कि इधर से घूम से दूसरे साइड निकलता है, जिसको अपन मार लेते हैं, किल मिल जाता है। देखो सीन सामने से, क्या यार क्या ही बोल रहा हूँ, सामने देखो सीन क्या होता है, सीन क्या होगा, बोट मारूंगा और क्या। चलो इसको मार के यहाँ पे हमारे इजिली 4 किल इवेंट पे हो गए थे, बाकी ये वाला जो बंदा था शायद नीचे गिर गया था और भाई इसका पता ही नहीं चलता कब कहाँ पे चला गया। अब देखो यहाँ पे मैं ना हल्का सा मौका देखता हूँ ताकि सामने वाला कैंपर इसको कम से कम खोल तो सके और मैं स्मोक करके रिकॉल उठा लूँ, क्योंकि मुझे पता है रिकॉल किस साइड गिरता है ठीक है।
बट देखो रिकॉल तो उठा लेता हूँ, बट जैसे इधर पे आता हूँ ना, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच होता हो जाता है, जैसे ही यहाँ पे हिल वगैरह कर रहा होता हूँ। देखो ये क्या हो गया, अंदर घुस ही गया एकदम से, ऐसे लग रहा था, जिसके चक्कर में बंदा घुस के मार भी देता है, कुछ समझ में नहीं आता। अब मैं सोचा भाई चल के रिवेंज लूँगा, बंदे को दोबारा से मारूंगा, इसलिए दोबारा से इधर ही पे आ जाता हूँ, क्योंकि प्लेन पास भी कुछ इधर ही से था। क्योंकि भाई मैं रिकॉल उठा लिया था तो मुझे कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं था, अगर मर भी जाऊँगा तो दोबारा से रिकॉल हो जाऊँगा, है ना। तो बंदे कहीं पे मैं और खोजने जाऊँगा, सर्च करने जाऊँगा, इससे बढ़िया मैं यहीं पे जहाँ पे मुझे पता है कि बंदे मिल सकते हैं वहाँ पे जाके मार सकूँ, कुछ किल्स उठा सकूँ, ठीक है। लेकिन तभी सामने यहाँ पे मेरे को एक बोट स्पॉट हुआ रहता है, जिसको जल्दी से आता हूँ मारने के लिए, ताकि वो कहीं जोन से फिनिश वगैरह ना हो जाए, ठीक है। बाकी थोड़ा सा अटक जैसा रहा हूँ यार मैं, चलो कोई ना। बोट को मार के यहाँ पे हमारे 5 किल हो जाते हैं। अब बारी थी उस बंदे को मारने की, ठीक है। आ जाता हूँ इधर पे, अपने पास हीलिंग के नाम पे कुछ था नहीं। इसको तो इजीली मार लेता हूँ। अब सामने वो बंदा, भाई वो बंदा इतना ज़्यादा कसम से फट्टू बंदा था ना, इतना ज़्यादा कैंपर था कि यहाँ पे एक HP करने के बाद भी पुश नहीं करता। यहाँ पे आराम से अपन हील वगैरह कर लेते हैं, भाई मेरे पास फर्स्ट एड वगैरह नहीं था तो थोड़ा सा हील करके मुझे लूटने जाना ही था, ठीक है। बंदे का फुटस्टेप से ऐसा लग रहा था कि यार सामने वाले सीढ़ी पे बैठा है, ठीक है। बट अभी देखना यार बंदा निकलता कहाँ पे है। अब यहाँ पे अपने पास हीलिंग वगैरह नहीं थी, ठीक है, थोड़े से अब बैंडेज वगैरह थे जिसको लगा के हील वगैरह कर लेता हूँ। और भाई अपने को लूट भी चाहिए था, और भाई रिकॉल भी कुछ दिन में ख़त्म ही हो जाता, और भाई मेरे लॉक केवल एक यही बंदा था, तो मैं सोचा यार कम से कम मारूं या फिर मर ही जाऊं, कुछ तो हो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाता हूं हिल करने के बाद, देखो भाई बंदा क्या ही सरप्राइज देता है, कितना यार निर्लज्ज कैंपर है ना वो, देखो आप भाई, आप लोग ऐसा मत करा करो प्लीज, ठीक है। कम से कम इवेंट पे हो तो ढंग से फाइट लो यार, फर्स्ट स्टेप वगैरह दो, सब कुछ दो, ताकि सामने वाले बंदे को पता रहे कि हाँ कहाँ पे बंदा है, वो भी यार थोड़ा सा ऐसे हार्ट अटैक वाली फीलिंग ना आए। अब देखो देख रहे हो, जब तक बंदे के साइड में मेरा मुंह था तब तक नहीं स्प्रे लिया, जैसे ही पीठ दिखाया ना वैसे मार दिया। भाई क्या बोले यार, भाई गुस्सा तो लग रहा था, इसे कैंपरों के ऊपर गुस्सा तो लगता है। खैर कोई ना, 6 किल अपने अच्छे खासे हो गए थे, ठीक है। अब इसके बाद मैं सोचता हूँ मुझे किल की कोई भी जरूरत नहीं है, शांति से सेफ ही खेलूंगा, एकदम से होल्ड करके ही खेलूंगा। क्योंकि भाई अगर 6 किल के साथ टॉप 10 कर लिया तो ना मुझे काफी ज्यादा हाई प्लस मिलेगा, अच्छा खासा प्लस मिल जाएगा, कम से कम 28 से 30 का प्लस तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं यही टॉप 20 के बाहर मर जाता हूँ तो मुझे कम से कम 10 से 12 का ही प्लस मिलेगा। इसलिए भाई हर एक मैच में टॉप 10 सर्वाइव करने का ही सोचा करो, चाहे कितने भी किल हो, चाहे 2 किल हो, चाहे 3 किल हो, चाहे 1 किल हो, चाहे आपका 0 किल हो, हमेशा टॉप 10 सर्वाइव करने का ही सोचा करो, ठीक है। अब देखो लास्ट के सर्कल तक मैं यहीं पे होल्ड करता हूँ। अपने पास ये इंजेक्ट किया था ना, ये वुल्फ फॉर अ पावर, तो वो अपने पास था, यहाँ पे उसको यूज करता हूँ। सामने बग्गी वगैरह रहती है तो उसको उठा लेता हूँ। देख लो भैया, इसको केवल एक ही बार इंजेक्ट किया था, बार बार यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो फायदा तो है, जब इवेंट पे मिले तभी उसका यूज कर लिया करो, मतलब वो इंजेक्शन का, ओके। अब इसके बाद भाई मैं किल वगैरह नहीं निकाल पाता, बट थोड़ा सा रोटेशन और सर्वाइवल वगैरह देखो जिसकी आपको जरूरत है, जो बंदे कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे शेक में बंदा बैठा था, लकड़ी वाले शेक में। एक बार मेरा मन ऐसा किया कि भाई चल के पुश करूँ, कॉन्फिडेंस तो था कि मैं मार लूंगा, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद भाई ये बंदा इधर से बग्गी वगैरह लेके भाग ही जाता है। तो मैं सोचा चलो अच्छा बात है, अपने लिए पोजीशन खाली हो गया, आराम से सर्वाइव करेंगे, क्या पता यहीं पर बैठे बैठे अपना टॉप 10 भी हो जाए। तो एक बार कंफर्म करता हूँ घुमा के कि भाई इसके अंदर कोई है तो नहीं, और कोई रहता नहीं तो आराम से होल्ड कर लेते हैं। अब देखो लॉबी भी थोड़ी बहुत तो हार्ड थी, 20-22 बंदे बचे थे डेथ सर्कल में, ठीक है। अभी भी देख लो वहीं पे मैं होल्ड किए किसी भी बंदे पे थोड़ा सा उंगली वगैरह नहीं करता, जो आसपास से रोटेशन जाता है उनको ही मारने का ट्राई करता हूं। और भाई हमारा यहां पे टॉप 10 ईजिली हो गया, ठीक है। तो देखो अगर आप किसी बंदे पे स्प्रे ले रहे हो तो भाई आपके ऊपर थर्ड पार्टी हो गई होगा, तो उस बात का थोड़ा सा ख्याल रखा करो, और भाई हमेशा सर्वाइवल पे ही जाया करो, सिचुएशन के हिसाब से आपको किल मिल ही जाते हैं। बाकी यार यहाँ पे थोड़ा सा तो ट्राई करता हूँ लेकिन किसी को उतार नहीं पाता। अब भाई मैं भी जोन के बाहर था तो मुझे भी जोन में जाना था, पहले स्मोक वगैरह अच्छे से कर लिया था, फिर रोटेशन यार क्या ही। अब देखो जाके सीधा भाई मैं अंदर जोन के अंदर जो सबसे सेंटर है ना वहीं पे यार घुसा देता हूँ। अब अपने लिए डिसएडवांटेज यही था कि भाई किसी भी बंदे पे एंगल नहीं बना सकता था, अगर एंगल बनाने के लिए बाहर आता ना तो अपने पे थर्ड पार्टी हो जाती, अगल बगल बंदे होल्ड कर रहे थे।
भाई यहाँ पे ट्राई तो करता हूँ कहीं से काक्षु किल निकल जाए, लेकिन निकलता नहीं। बट उससे अपना कुछ नुकसान नहीं होता, खैर फायदा भी नहीं होता। अब यहाँ पे पीछे वाले पत्थर पे एक बंदा था जो कि इसको उतार देता है। मुझे डर लग रहा था कहीं वो बंदा मेरे को ही ना मार दे। अब सर्कल था तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे होल्ड करता हूँ, तभी देखो यहाँ पे एक बंदा पुश कर देता है। उसका भाई ये बिगवा का यूज करके आता है, क्या बोलते हैं भेड़िया का, जिसको कसम से इतना ज़्यादा डैमेज देने के बाद भी नहीं मार पाया, क्योंकि भाई क्या बोलूँ यार, उसका सप्रेस था तो उसका ज़्यादा डैमेज पड़ा होगा। खैर कोई ना, यहाँ पे देख लो हैशटैग 4 पे भी फिनिश होने पे अपने को अच्छा खासा 28 का प्लस मिल गया था। बाकी यार डेथ रिप्ले देख लो, और अब इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ। ऐसे ही खेलो भाई, आपको 28 का प्लस कम नहीं है, बहुत है, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरा 3 किलो होता तो भी मैं टॉप 10 सर्वाइव करने का ही ट्राई करता, 2 किलो होता तो भी करता, 20 का तो प्लस मिलता, 20 का प्लस अपने लिए बहुत होता है, ठीक है। बाकी डेथ रिप्ले देख लो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, रात को 9 बजे से लाइव स्ट्रीम किया जाएगा तो आ जाना। चलो बाय बाय।